तो हेलो एंड गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं ये चैम्पियनशिप का मैच, वो भी सेथ की चैम्पियनशिप भी लगी होगी जो कि अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप है यूनिवर्सल, और रोमन की चैम्पियनशिप भी लगी होगी जो कि WWE चैम्पियनशिप है। और मैंने 15 मिनट का टाइम भी दिया है, तो टाइम ख़त्म होते होते अगर ये लोग जीत जाते हैं तो ठीक, नहीं जीतते हैं तो ये गेम ड्रॉ हो जाने वाली है। तो चलो इस मैच को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कौन जीतेगा। लेट्स गो। तो ये मैच इधर चालू होता हुआ, फिलहाल के लिए दोनों को टाइटल दांव पे लगा हुआ है रोमन ने। एक बार फिर से स्पियर रोकने के लिए ड्रॉप किक, मेरे ख्याल से सेट ने ड्रॉप किक का अच्छा आइडिया लगाया है रोमन का स्पियर रोकने के लिए। तो ठीक है, अभी रोमन अपना स्पियर नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं। अभी के लिए सेट रॉलिंस रिवर्सल करते हुए इस रोमन के मुंह, कोई बात नहीं। अभी टाइम चल रहा है, लेकिन ये टाइम बर्बाद करना चाहेंगे सेट, वो उनकी मर्जी, लेकिन रोमन का टाइटल भी लगा हुआ है, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए मैच जीत लेते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। फिलहाल के लिए एक और नी स्ट्राइक, रोमन की हालत ख़राब होती हुई, कोई नहीं। रोमन फंसा के पिन फॉल, ओके, रोमन को पता है कि टाइम चल रहा है। वन वन में किक आउट, ओके ठीक है, कोई नहीं, वन में किक आउट भी हो गया है। एक बार और फंसा के पिन फॉल, सेथ रॉलिंस को भी पता है कि टाइमर चल रहा है, टाइमर ख़त्म हो गया, तो चैम्पियनशिप का मैच फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ड्रॉ हो जाएगा। फिलहाल के लिए सेथ का यूनिवर्सल चैम्पियनशिप दांव पे लगा हुआ है, वो भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, और रोमन का WWE चैम्पियनशिप। रोमन जीतते हैं तो रोमन आज कम से कम तीन तीन चैम्पियनशिप अपने साथ रखेंगे, सेथ जीतते हैं तो दो चैम्पियनशिप अपने साथ रखेंगे। फिलहाल के लिए शार्प शूटर लग चुका है, ओके, और रोप ब्रेक भी हो गया है। ध्यान रखना पड़ेगा सेथ को छोटी छोटी बातों का, क्योंकि ये टाइम बहुत ही गंदी चीज़ है, वो चलता जा रहा है। इनके लिए टाइम बहुत गंदी चीज़ है, चैंपियनशिप मैच ऐसे ही ड्रॉ हो जाएगा। रोमन स्पियर लगा सकते थे शुरुआत में, नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं। अभी के लिए ओके, एक बार और मारते हुए रोमन पिन फॉल होगी क्या, वन टू, और किक आउट हो चुका है अभी के लिए, तो पिन फॉल हो ही नहीं, कोई बात नहीं। और ओके ओके, अभी के लिए एक और नी स्ट्राइक आती हुई, नी स्ट्राइक दे दिया है, और मेरे ख्याल से एक और पंच लगाएंगे रोमन को। रोमन की हालत ख़राब होती हुई, सेथ रॉलिंस मेरे ख्याल से कहीं जीत ना जाए, क्योंकि बहुत मार रहे हैं रोमन को। रोमन को इतना क्यों मार रहे हो, एक बार और मारते हुए, ठीक है। और अभी के लिए रोमन को अगर रिवर्सल नहीं करा रोमन ने तो देर ना हो जाए कहीं। फिलहाल के लिए स्पियर लगाना बहुत ज़रूरी, सुपरमैन पंच और स्पियर आने वाला है। सेथ के पास रेजिलेंस है, वो चली जाएगी क्या, टाइमर चल रहा है, रोमन को मैच ख़त्म करनी ही पड़ेगी अगर जीतना चाहते हैं आज अनडिस्प्यूटेड टाइटल। फिलहाल के लिए किक आउट आती हुई, और किक आउट आ गई है, कोई नहीं, और एक और बार सुपरमैन पंच कनेक्ट, अब तो रेजिलेंस जा ही सकती है। सेथ रॉलिंस तुरंत खड़े हो गए, ओके, सुपरमैन पंच, स्पियर, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है रोमन के लिए। सारे मेरे ख्याल से सारे पैतरे कम पड़ते जा रहे हैं। सेथ रॉलिंस है बहुत चलाक चतुर, वो बस जीतने में ही फोकस करेंगे, लेकिन कैसे यही तो देखना है। सुपरमैन पंच और स्पियर आने वाला है, जो कि रिवर्सल कर दिया है सेथ रॉलिंस ने, सेथ रॉलिंस ने रिवर्सल कर दिया, कोई बात नहीं। अभी के लिए नॉर्मल गिलिटीन भी लग चुकी है, नॉर्मल गिलिटीन का कोई फ़ायदा नहीं है। सेथ अपना फिनिशर लगा दो, मैं तो कह रहा हूँ सेथ फिनिशर लगा ही डालो, मज़ा आ जाएगा। अभी के लिए रिवर्स कर दिया नॉर्मल गिलिटीन को भी, कोई बात नहीं। एक डीडीटी, एक और डीडीटी आती हुई, डीडीटी के बाद क्या कुछ हो सकता है। शुरुआत में दोनों के पास एक ही एक फिनिशर थे, क्योंकि ये मैच बहुत टफ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये ड्रॉ ना हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि ड्रॉ हो जाए, क्योंकि निर्णय, ओके एक नी स्ट्राइक, ओके, क्योंकि मुझे कुछ निर्णय चाहिए कि कौन जीतेगा। और अभी के लिए ओके, मुझे एक बहुत बड़ा लग रहा है कि कहीं सेट ना जीत जाए, और वन टू और किक आउट आती हुई, और ये कहीं मेरी जो आशंका है वो सच ना हो जाए, कोई बात नहीं। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि कहीं सेट जीत ना चाहे। अभी के लिए सुपरमैन पंच और स्पियर एक बार फिर से, अब तो रेजिलेंस पक्का जाएगा, रेजिलेंस जाएगा। स्पियर लग चुकी है, पिन फॉल होने वाली है, वन टू, और किक आउट कर देंगे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने किक आउट कर दिया है। अब मुझे नहीं पता सेथ क्या करेंगे,
सेट को कुछ जल्दी करना पड़ेगा। सुपरमैन पंच है अभी रोमन के पास, रोमन पीछे हटे, रोमन आगे बढ़े, रोमन का सुपरमैन पंच छीन लिया सेट ने, डीडीटी लगा दी है सेट ने। पिनफॉल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, पिनफॉल करने नहीं जा रहे। ओके और एक ओके, ये हो गया ना कांड, लगा दिया क्रॉस रोड्स और 1-2 रोमन कर देंगे किक आउट। अभी रेजिलेंस का यूज नहीं किया है, रोमन को हराना मुश्किल है। टाइम ऊपर जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, बीतते हुए समय के साथ बहुत दिक्कतें होने वाली हैं इन लोगों को। एक और क्रॉस रोड, ओके एक और क्रॉस रोड, अब तो रोमन का भी रेजिलेंस जा सकता है। ओके सेट बहुत तगड़ा, 1-2 रोमन का रेजिलेंस भी गया, रोमन रनिंग भी वैसे करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है रोमन के लिए। एक और बार अपना फिनिशर लगाने जा रहे हैं, सेट कहीं जीत ना जाए। सेट का फिनिशर रिवर्स कर दिया रोमन ने, रोमन के पास अच्छा मौका है वो गोल्ड अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेने का रोमन उड़ते हुए। ओके ये टाइम बर्बाद हो रहा है इन दोनों का, मैं बता रहा हूँ ना, ये टाइम बहुत प्रीशियस है। नो मर्सी में मैच चलता हुआ ये भी एक दूसरे पे दया नहीं दिखाएंगे, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी दया आ गई तो ये टाइम बीत जाएगा और दोनों में से किसी को भी टाइटल नहीं मिलेगा और अपना ही अपना टाइटल ले जाके ये लोग को खुश रहना पड़ेगा, तो ये अच्छा नहीं होगा। फिलहाल के लिए रोमन ऊपर आ गए, रोमन जल्दी से मैं कह रहा हूँ एक स्पीयर लगा डालो, सेट हार सकते हैं बिल्कुल। ओके रोमन पर पीट रहे हैं लेकिन रिवर्सल आता हुआ सेट रॉलिंस की तरफ से, रोमन डिस्ट्रैक्शन के लिए बुलाएंगे किसी को नहीं, तुरंत खड़े हो गए और पेडिग्री। ओके तो पेडिग्री का स्वाद भी चखा दिया है रोमन को, अब लग रहा है सेट जीत गए। सेट 1-2 और सेट रॉलिंस जीत जाएंगे। ये टाइम तो बिल्कुल इन्होंने सही से यूज़ किया है जो कि अच्छी बात है। तो फिलहाल के लिए सेट रॉलिंस अब रखेंगे WWE चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, क्योंकि जीत के हरा दिया है रोमन को। फिलहाल के लिए मैच इधर ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। Thanks for watching. An exciting match that concludes with a title changing hands. To go from challenger to champion, that has to feel good. Unless you're the one going from champion.